नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बिल्कुल नए स्टाइल की बेसन की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप पूरी वीडियो पे बने रहिएगा। ये देखिए, बिल्कुल ही लजीज बेसन की सब्ज़ी बनाने का की रेसिपी। इसके लिए पहले हम ये इस तरह से छोटे छोटे प्याज और हरी मिर्च को काट लेंगे। इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और इस तरह से भी हम थोड़े से प्याज लहसुन और अदरक को काट के अलग रख लेंगे। और ये जो छोटे छोटे प्याज काटे हैं उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। आपको जितनी बनानी है सब्जी उस हिसाब से आप उस क्वांटिटी में बेसन ऐड कर लीजिए। इसका हम एक थिक घोल बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। डाल के स्वाद के अकॉर्डिंग जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप हल्दी और नमक डाल दीजिए इसमें। और इसको हम अच्छी तरह से एक इसकी एक थिक घोल बनाएंगे हम, क्योंकि इसका हमें चिल्ला बनाना है। तो हम इस तरह से थिक घोल तैयार कर लेते हैं। उसके बाद एक पैन को गैस पे मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। उस पर थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो एक बात और आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपका चिल्ला पैन में चिपकता है या तवे पे चिपकता है तो आप उस पर पहले दो पराठे बना लीजिए। तो देखिएगा आपका चिल्ला बिल्कुल ही नहीं चिपकेगा अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो। या फिर ग्रीसिंग करके 5 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए इस तरह से हम एक मोटा सा चिल्ला बनाएंगे। वो ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ये थोड़ा थिक हो। इस तरह का हम पहले एक चिल्ला बना लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको धनिया की पत्ती पसंद है तो इसमें धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए। और फिर हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, मसाला तैयार कर लेते हैं। ये लहसुन अदरक और प्याज को हम अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेते हैं और इसको हम देखिए अच्छी तरह से डालकर पीस लेंगे। एक तरफ हमारा चिल्ला बन रहा है। फिर आप ऊपर से हल्का सा ऑयल डाल के चिल्ले को हम पलट लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा कम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने हल्का सा ऊपर से ग्रीसिंग कर दिया है। चिल्ला बनाना तो आप जानते ही होंगे। इस तरह से आप देखिए कि इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसे सेक लेते हैं। तो जब तक ये चिल्ला तैयार हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ कढ़ाई पे मसाला भून लेते हैं। ये जो प्याज लहसुन और अदरक का जो पेस्ट तैयार किया है पीस कर उसे हम भूनते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे कढ़ाई में और थोड़ा सा जीरा और हींग का फ़ोरन डाल देंगे इसमें हम। वो वीडियो मेरी मिस हो गई है तो मैं इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। और दूसरी तरफ देखिए, ये हमारा चिल्ला भी तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे चौकोर या बर्फी के शेप में हम काट लेंगे। देखिए दोनों तरफ से इस तरह से सिक किया है हमारा चिल्ला। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। पहले आपने गट्टे वाली सब्ज़ी खाई होगी, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट इसका लगता है। तो इस तरह से देखिए इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप जैसा शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप काट लीजिए, चौकोर या फिर बर्फी का शेप, जिस तरह से भी हो। इसे काटने के बाद फिर से हम मसाले में, ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमारा प्याज और लहसुन भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर। आप सब कुछ अपने जितनी सब्जी की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप डालिए। और धनिया के पाउडर और जिस क्वांटिटी में सब्जी है उसी हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और इसे भी, ये टमाटर मैंने टमाटर प्यूरी डाला है। मैंने अपने टेरिस गार्डन के टमाटर से प्यूरी बना के रखा हुआ था स्टोर करके, वो डाला है। आप चाहें तो टमाटर पीस कर इसमें डालिए, ठीक है, जैसे चाहें टमाटर प्यूरी या टमाटर पीस कर।
डालकर नमक डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए इतना, इस तरह से जब मसाले की खुशबू आने लगे तब हमें क्या करना है कि इसमें पानी थोड़ा ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से चलाकर 5 मिनट तक इसको हम खौलने देंगे, गरम कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए, ग्रेवी बहुत पतला नहीं बनाइएगा, हल्का थोड़ा थिक जैसा ही ग्रेवी इसका बनाइए। उसके बाद ये जो हमने चिल्ले का पीस करके रखा है, बेसन के चिल्ले का, उसको इसमें डिप कर देंगे और मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे खौलने देंगे। मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पे भी आप खौला सकते हैं। और इसको देखिए, देखने से इतनी टेस्टी लग रही है। ये देखिए इस तरह जब खौल जाए तो आप गैस फिर बंद कर दीजिए। ये तैयार हो गई हमारी सब्जी, ये देखिए। थैंक यू।